बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम क्लैश देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। कल एक जलसा हुआ लाहौर में, और ये वो जलसा था जिसके बारे में बड़े दावे किए जा रहे थे, बहुत बुलंदोबांग दावे किए जा रहे थे कि आर्या पार हो जाएगा, बड़ा खौफनाक जलसा होगा। उसके मनाजिर आप देख रहे हैं, और ये मनाजिर जो अभी आप देख रहे हैं ये उस वक्त के हैं जिस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब को शाबाश दे रहे थे लाहौर को बेहतरीन अंदाज में तामीर करने पर। तो ये मनाजिर उस वक्त के हैं, और आप पंडाल को देखें कि क्या हालत है उसकी। उससे पहले इस इलाके का कई दोस्तों ने जाके विज़िट किया। आरिफ अमीद भट्टी साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो कह रहे हैं मैं यहाँ से दो चक्कर लगा के आया हूँ, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि अगर कोई बड़ा जलसा हो जाता है लाहौर के अंदर तो फिर इन एरियाज़ में घुसना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये आसपास की सारी सड़कें, सारा एरिया, तमाम मकामात खुले थे, और जलसागाह के अंदर के मनाजिर ये हैं कि पंडाल का बेशतर हिस्सा खाली था। यहाँ पे जो पंडाल है ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इसका 30% एरिया जो है उसको मुंतखब किया था, उसको चूज़ किया था अपोजिशन ने, पीडीएम ने, कि 30% जो एरिया है इसके ऊपर हम जलसा करेंगे। वो जो 30% था वो भी पूरी तरह नहीं भर पाया। ऐसा क्यों हुआ, और जो उम्मीदें थी लाहौर से वो पूरी क्यों नहीं हो पाई, एक बहुत बड़ा सवाल है। अब इससे पहले कि सवाल का जवाब हम मांगें, पहले हम ज़रा थोड़ा सा लॉन्ग मार्च, क्योंकि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जनवरी के इख्तिताम पे या फरवरी के शुरू में एक लॉन्ग मार्च किया जाएगा जो इस्लामाबाद पहुंचेगा, पाकिस्तान भर से काफले जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इसका ऐलान किया तहरीक के सरबराह की हैसियत से। अब लॉन्ग मार्चेस की अगर हम तारीख देखें तो दुनिया का जो पहला लॉन्ग मार्च हुआ था, एक डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बट कर रहा हूँ बड़ा दिलचस्प है, वो था चीनी रानुमा माओ ज़ेदुंग का। और ये लॉन्ग मार्च जो है 16 अक्टूबर 1934 से लेकर 20 अक्टूबर 1935 तक, यानी एक साल और चार दिन तक चलता रहा था, और इसने 10,000 किलोमीटर लंबा सफर एक तय किया था। पाकिस्तान का जो पहला लॉन्ग मार्च था ये 4 से 5 जुलाई 1980 को उशरो ज़कात ऑर्डिनेंस के खिलाफ किया गया था। शिया रहनुमा थे मुफ्ती जाफर हुसैन, उन्होंने वफाकी सेक्रेटेरिएट के बाहर जाकर धरना दे दिया था। धरने की वजह से ब्यूरोक्रेसी मुकम्मल तौर पे मफलूज हो गई थी, और हुकूमत ने तमाम मुतालबात जो हैं वो तस्लीम कर लिए थे। उसके बाद पाकिस्तान का दूसरा लॉन्ग मार्च, मैं सियासी लॉन्ग मार्च की बात कर रहा हूँ, वो नवाज शरीफ साहब का लॉन्ग मार्च है 1989 में। वो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के साथ इस्लामाबाद की तरफ गए। लॉन्ग मार्च का मकसद था 17 अगस्त को जनरल ज़ियाउल्लाह साहब की बरसी को मनाना, सेलिब्रेट करना। नवाज शरीफ साहब ज़ियाउल्लाह साहब की बरसी मनाने के लिए 1989 में 17 अगस्त को लॉन्ग मार्च करते हुए इस्लामाबाद की जानिब गए। बेनज़ीर ने इस्लामाबाद सील कर दिया, लेकिन एतज़ाज़ अहसन साहब ने, वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने इजाज़त दे दी बाद में। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने 1992 में इंतखाबात में धांधली के खिलाफ एक और लॉन्ग मार्च किया। सदर गुलाम इसहाक़ खान ने असम्बलियाँ तोड़ दी, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दी। 16 जुलाई 1993 को बेनज़ीर भुट्टो ने इस्लामाबाद की तरफ दोबारा लॉन्ग मार्च किया। जो उस वक्त के आर्मी चीफ वहीद काकड़ थे, उन्होंने वज़ीर आज़म और सदर दोनों को इस्तीफे पर राजी कर लिया। 9 मार्च 2007 को जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का, आपको पता है मामला, उन्होंने जजेस को जो है वो हटा दिया था, मुअत्तल कर दिया था, इफ्तिखार चौधरी साहब को खास तौर पे। तो जजेस की बहाली के लिए एक तहरीक चली 2007 से लेकर 2009 तक। 9 मार्च 2009 में एक जो है, 16 मार्च 2009 को वकला तहरीक जो है वो लॉन्ग मार्च एक बन गया, और वो रास्ते में ही था गुजरांवाला, तो टारगेट अचीव हो गया, जुडिशरी जो है वो बहाल हो गई थी। उसके बाद जो बड़ा एक लॉन्ग मार्च था वो तारुल कादरी साहब का था, जो 14 जनवरी 2013 को वो लेकर इस्लामाबाद चले गए। चार दिन उन्होंने धरना दिया, हुकूमत से मुज़ाकरात हुए, लॉन्ग मार्च ख़त्म हो गया। फिर पाकिस्तान की तारीख के वो लॉन्ग मार्च आए जो बहुत मकबूल हुए, एक आज़ादी मार्च था और एक इनकलाब मार्च था। ये 14 अगस्त 2014 को तहरीक इंसाफ और तारुल कादरी साहब ने अलग अलग एरिया से निकाले, और फिर ये इस्लामाबाद एक ही जगह पहुँच गए। ये 2013 में आम इंतखाबात के अंदर जो धांधली हुई उसके खिलाफ, और दूसरा साना मॉडल टाउन के अंदर जो 14 लाशें गिराई उस वक्त की हुकूमत ने, उसके खिलाफ ये लॉन्ग मार्च हुआ। और तारुल कादरी साहब जो है वो लगभग 65 दिनों के बाद निकल गए वापस, उन्होंने लॉन्ग मार्च अपना ख़त्म कर दिया। लेकिन इमरान खान साहब 126 दिन तक धरना दिए बैठे रहे वहाँ पर, और 17 दिसंबर को उन्होंने धरना ख़त्म किया, क्योंकि 16 दिसंबर को APS का साना हो गया था।
उसके बाद जो आखिरी लॉन्ग मार्च हुआ, अच्छा तहरीके लबैक के लॉन्ग मार्चेस नहीं थे, उनके धरने थे, क्योंकि वो जिस शहर में कहते हैं वहीं से लोग निकल के बैठ जाते हैं, उधर ही बैठ जाते हैं, तो लॉन्ग मार्च की उनको जरूरत नहीं पड़ती। मौलाना फजल रहमान साहब का लॉन्ग मार्च, उसको उन्होंने आज़ादी मार्च का नाम दिया। 27 अक्टूबर 2019 को कराची से लॉन्ग मार्च का आगाज हुआ। 31 अक्टूबर को वो इस्लामाबाद पहुंचे, 13 नवंबर तक वो बैठे रहे, कोई बात नहीं बनी, वो उठ के वापस चले गए। और ये लॉन्ग मार्चेस की पाकिस्तान के अंदर तारीख है जो मैंने आपके सामने रखी है। मेरे सामने दो बड़े अहम मेहमान मौजूद आज के प्रोग्राम में और बहुत रेलिवेंट हैं। हुकूमत की जानिब से वफाकी वज़ीर इत्तला'आत सेनेटर शिबली फ़ास साहब हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और हमें PMLN की जानिब से ज्वाइन कर रहे हैं चौधरी निसार साहब आज के प्रोग्राम में, और वो PMLN का मौक़िफ़ देंगे, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका भी ज्वाइन करने के लिए। मैं चौधरी साहब आपसे आगाज़ कर लेता हूँ कि आर या पार का जो दावा किया गया था आपकी क़यादत की जानिब से कल के जलसे में, वो आर या पार हो गया या वो अभी होना है? जी इमरान खान साहब, बिल्कुल हुआ है, इस लिहाज से कि कौम कौम ने एक अपना फैसला सुना दिया है। ये छठा जलसा था हमारा, और इन 6 जलसों में और कल का जो एक तारीखी जलसा था, बिलाशुबा ये जो है चंद लोग जो हैं हुकूमत के जेर असर जो हैं लोग, वो जाहिर है कि वो उन्होंने तो उनकी आंखों पे तो ऐसा तासुब का वो जो उन्होंने एक ऐनक पहनी हुई है कि अपनी खाली कुर्सियां भी उन्हें अवाम का एक जम्मे गफीर नजर आता है। हमारा एक अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर भी जो है उनको बिल्कुल खाली पंडाल नजर आता है। देखें, बात यह है कि मैं तो खुद जलसे मौजूद था, मैं गया हूं जब एक खुद बड़ा जुलूस लेके, तो वहां वाकई ये है कि दाखिल होना बड़ा मुश्किल था। आप कितने बंदे लेकर गए थे? आप कितने बंदे लेकर गए थे? आपके साथ कितने बंदे गए थे? तो सैकड़ों लोग थे, मुजीराबाद से आए जी, मेरे हल्के से आए। और ये है कि हर हल्के से इसी तरह यह है कि लोग, और मैं आपको बताऊं इमरान खान साहब के लोगों को लाने के लिए कोई हमें मेहनत कोशिश नहीं करनी पड़ी। लोगों का हाल जो इन्होंने 2-2.5 साल में कर दिया है, अवाम तो भरे बैठे हैं, अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। जो इन्होंने महंगाई की शक्ल में इस कौम के साथ जुल्म किया है, हकीकत यह है कि अवाम का जीना उन्होंने मुश्किल कर दिया है इस हुकूमत ने, और इस नायर और जालिम हुकूमत को घर बैठने के भेजने के लिए पूरी कौम जो सर, कितने बंदे थे? और मैं सब कोई आप फिगर दे दे, आपकी पार्टी को तो देना चाहिए कि हम इतने बंदे हमने इकट्ठे किए थे। आपकी पार्टी को क्या लगता है कितने बंदे थे कल? नहीं, मैं तो गुजारिश कर रहा हूँ कि वहां तो ये देखो ना कि लाखों उन्होंने कहा जी 10 लाख से अबव थे। फजल रहमान साहब की पार्टी ने ये अनाउंस किया कि 10 लाख से ज्यादा बंदे थे कल। नहीं, मैं 10 लाख का मुझे ये पता नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन बिलाशुबा लाखों में थी तादाद। ये 5 लाख से, जिस तरह मैं आपको बताऊं कि मेरे हलके से सैकड़ों लोग वजीराबाद से रजाकाराना तौर पे आए हैं, और वाकई जलसागाह में दाखिल होना इतना आसान नहीं था, बड़ा मुश्किल था, हमें बड़ी तकदो करनी पड़ी। और मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूँ कि इस तरह का जलसा लाहौर की तारीख में शायद ही कभी हुआ हो। सर, आपको वजीराबाद से आते हुए जलसागाह तक हुकूमत ने, पुलिस ने कोई बैरियर, कोई रुकावट, कोई कंटेनर कुछ मिला आपको? नहीं नहीं, कल यह है कि कल ऐसी कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन इससे पहले जो पकड़ दकड़ हुई मेरे अपने हलके से, आप इमरान खान साहब हैरान होंगे कि मेरे अपने हलके में एक कस्बा है, गांव है अहमदनगर, वहां पे एक बेचारा आदमी, गरीब आदमी, ये DJ मलिक के नाम से उसका साउंड सिस्टम, उसको भी आधी रात को जाके छापा मार के उसको भी पकड़ा, और उसका साउंड सिस्टम जो है वो भी जब्त कर लिया। अंदाजा कीजिए आप का शिबली फराज साहब, आपने ये जो ढोलकी वाले थे वो सारे पकड़ लिए आपने, और असल में जो लोग जिन्होंने जलसा करना था उनको आपने सबको जाने दिया। शिबली फराज साहब, लाखों का दावा तो है। देखें, आप मुझसे मुखातिब हैं जी। जी देखें, चौधरी साहब की बात को मैं एक अच्छे क्या कहते हैं हिस्से मजाक रखने के हवाले से मैं उनको कह दूंगा कि उनका हिस्से मजाक काफी अच्छा है, लेकिन जो हकीकत थी वो कल सारे पाकिस्तान ने देखी, वो आपके मीडिया की कैमरों की आंखों ने भी देखी, उसको कैप्चर किया। आपको पता है कि कितने लोग थे वहां पे, और क्या उस वक्त जब तकारीर हो रही थी उस वक्त अवाम का क्या वो था, एक बिल्कुल जैसे कि बेहसी सी थी, और उसके अलावा जो तकरीर हो रही थी तो जू तकरीर हो रही थी जिस लीडर की, तो उसके लोग वहां से जा रहे थे। नतीजतन मौलाना फजल रहमान को हस्ब रिवायत और नवाज शरीफ को खाली कुर्सियों से खिताब करना पड़ा।
अब देखें कल जो है तो अब सीरियस बात अगर हम करें तो कल के जलसे ने यह साबित किया है कि लाहौर और पंजाब की आवाम ने नवाज शरीफ की सियासत को उसी नहज पे पहुंचा दिया है जब वो तहरीक इस्तेकलाल में शामिल हुए थे, और उनकी साहबजादी मजिद है कि उनको लीडर बनाया जाए। और आपको मालूम है कि नवाज शरीफ वो जो है लीडर नहीं है, वो एक बिजनेस कम पॉलिटिशियन है, यानी कि वो उनके जो तारुफ है उसमें यही लिखा हुआ है, ये मजिद है उनको लीडर बनाने में। लेकिन लीडर वो होता है जो कि अवाम के लिए लड़ता है। कल पंजाब के अवाम बिलखसूस लाहौर के अवाम ने यह साबित किया कि वो और लाहौर के अवाम को मैसी खराज। कितने लोग थे आपके शिबली फराज साहब, आपके ख्याल में कितने लोग थे? वो तो लाखों कह रहे हैं ना आप, कम तो भी अंदाजा होगा। उस पे जाएंगे तो ये 10 से 15 हजार लोग थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी फेयर। और ये बड़ी लूज मार्किंग की है मैंने, और ये जितने भी इदारे हैं उनकी जो कैलकुलेशन है उससे ये ज्यादा है। लेकिन बात ये है कि इसकी वजह क्या थी, कि ये ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों लोगों ने बायकॉट किया, क्यों नहीं गए, इनको क्यों नहीं पसीराई मिली। नंबर वन कि मरियम नवाज जो कि इस बात को अपने आप को वो इस पे एक फोन कॉल पे उनको इस लीडरशिप मिली अपनी पार्टी की, उनके जितने भी सीनियर साथी हैं पार्टी के उनके एडवाइस के खिलाफ इन्होंने बजट, जिस तरह के एक स्पॉइल्ड बच्चा होता है जो कि हर मामले में अपनी जिद करता है, तो उन्होंने ये जलसा करने की कोशिश की। वो हर जगह गई, वो गली गली गई, वो महल्ले महल्ले गई, उनको कोई रुकावट नहीं थी, उन्होंने लोगों को कन्विंस किया। लेकिन लाहौर के लोगों ने ये साबित किया कि वो किसी की जाती जंग के लिए अपना कंधा नहीं देंगे। वो जो उनपे केसेस हैं, जो उनके मसाइल हैं, कानूनी मसाइल हैं, करप्शन के मसाइल हैं, उसको वो इंडोर्स नहीं करते, और इसी वजह से कल जो है तो लाहौर ने बायकॉट किया। वरना अगर देखा जाए तो वहां से इनकी मेजोरिटी सीट्स हैं वहां पे, और अगर हर एक बंदा भी ले आता, हर एक MNA भी ले आता, 300-400 बंदे, तो आप अंदाजा लगाएं कि लाख बंदे तो ये हो जाते हैं। तो इससे जाहिर ये हुआ है कि जो इनकी अपनी फिर की जो शहबाज शरीफ का जो ग्रुप है उन्होंने भी इसको इसमें इतनी शमूलियत नहीं दिखाई है, और जो सीनियर लीडरान थे वो तो बिल्कुल इस पे वो थे। गर्ज ये कि इनकी जो सियासत है वो जहाँ पे पैदा हुई थी यानी लाहौर में, वहीं पे वो दफन हो गई है। तो सर देखिए इलेक्शन फैसला करेगा, देखिए जलसे फैसला तो नहीं कर सकते, वो जलसा 2011 से आपके जलसे के मुकाबले का नहीं कर पा रहे, लेकिन 2011 से ऑनवर्ड दोनों इलेक्शनों में लाहौर को उन्होंने जीता है, ये बात भी आप तस्लीम करें। लाहौर में 2011 के जलसे का रिकॉर्ड वो 9 साल में नहीं तोड़ पाए, लेकिन आप उनकी सीटें उनसे नहीं छीन पाए बड़ा जलसा करने के बावजूद। नहीं देखें बात ये है कि इस वक्त, उस वक्त तो एक और सूरत हाल थी, उस वक्त लोगों को इनका पता नहीं था, जिस तरह के बयानियां लेके ये चल रहे हैं, जिस तरह की सियासत ये कर रहे हैं, और सियासत तो कर ही नहीं रहे, ये उसकी उसका एक रिएक्शन था, जिसका कि आपको एक बहुत अच्छा बैरोमीटर मिला है, जिससे कि पंजाब की अवाम ने इसको बायकॉट किया। अभी तो ये उसमें पावर अपने जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये पावर में नहीं है, लेकिन के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो अगर इनके बयानी के साथ अगर वो इत्तेफाक करते तो हर अब कह लेना खैबर पख्तूनख्वा में हम किसी को जलसा कर सकते हैं, पंजाब में कर सकते हैं, बलूचिस्तान में कर सकते हैं, ये जिससे बड़े जलसे, कई गुना बड़े जलसे, तो हमने बहसियत एक पार्टी किया है। ये मत भूलें कि ये 11 पार्टीज थी, अगर उसमें मौलाना फजल रहमान के मदरसों के स्टूडेंट्स को निकाल दिया जाए तो फिर तो ये साफ लगता था कि प्योर बायकॉट था इनके जलसे। शिवली साहब देखें, मैं इसको जरा आसान कर देते हैं। हुकूमत ये कहेगी कि ये चंद हजार का जलसा था, हुकूमत हमेशा ये कहती है जब वो जलसा करती है। अपोजिशन ये कहेगी कि ये लाखों का जलसा था, फजलुर रहमान साहब की पार्टी ने तो 1 मिलियन से ज्यादा का कह दिया है, और हमारे पास दिखाने के लिए कुछ मनाजिर भी होंगे, वो मनाजिर देख के लोग खुद भी डिसाइड कर सकते हैं। तो मनाजिर जो है वो हम साथ साथ चला रहे हैं, लोग उसके ऊपर देख रहे हैं, उनको पता चल जाएगा कि कितने लोग थे, वाकई मिलियन थे या हजारों थे, इसका बेहतर फैसला लोग खुद ही कर लेंगे, इसमें हमें ज्यादा वो एग्जेजरेट करने की किसी को भी जरूरत नहीं है। अब आ जाए कॉन्टेंट की तरफ, कॉन्टेंट की तरफ आ जाए। मैं चौधरी निसार साहब, ये कल का बड़ा अचीवमेंट क्या था PDM का, यानी कौन सी ऐसी अनाउंसमेंट है जिसको हम ये समझें कि लाहौर का जलसा इतनी बड़ी अनाउंसमेंट डिजर्व करता था और ये इतनी बड़ी अनाउंसमेंट हो गई है?
देखिए जलसों का मकसद जो था इमरान खान साहब वो तो लोगों को मोबिलाइज करना था, और सच्ची बात यह है कि पीडीएम से पहले ही लोग पहले ही मोबिलाइज हैं, ये पीडीएम से भी आगे हैं। ये पीडीएम तो दरअसल ये है कि आवाम की जो दुआएं थी इस जालिम नाइल हुकूमत से निजात के लिए, वो दुआओं और वो इल्तजाओं जो का मैं समझता हूँ कि पीडीएम जो है वो उसका जवाब है, उन इल्तजाओं का उन दुआओं का जो कौम की जुबान पर है उसका जवाब है पीडीएम की ये सारी कॉल जो थी। और देखें मकसद क्या था, लोगों को मोबिलाइज करना। आप देखें छठा जलसा था हमारा, बड़ा एक तारीखी जलसा हुआ है, लेकिन ये आप जेहन में रखें इमरान खान साहब कि हमारे इन छह जलसों में क्या कोई किसी ने कानून को हाथ में लिया है, क्या कोई एक गमला तक टूटा है, क्या हमने वो काम किए हैं जो एक तारीफ कर रही है आप लोगों की, सिर्फ एसओपी टूटे हैं कोरोना के, बाकी तो कुछ नहीं टूटा। मेरी गुजारिश सुन ले, क्या हमने क्या कंटेनर पे चढ़ के कौम को लाकानूनियत के दर्श दिए हैं, क्या हमने कौम को सिविल लापरवाही की काल दी है, क्या हमने गैस और बिजली के बिल जमा किए? चलें चलें चलें, एक मिनट, मेरे प्रोड्यूसर बता रहे हैं कि अभी आज खबर आई है कि मीनारे पाकिस्तान की इंतजामिया ने कहा है कि हमारे मीनारे पाकिस्तान के गेट भी तोड़ दिए, हमारे पौधों का नुकसान भी कर दिया है, और हमारा हार्टिकल्चर का बहुत वसी नुकसान हुआ है उस एरिया में जहाँ पे इनके वर्कर्स थे। ये मीनारे पाकिस्तान की इंतजामिया कह रही है, ये हमने पार्लियामेंट पे हमले किए, मुझे ये फरमाए हमने, देखे हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरी तरीके इस्तेमाल करेंगे इस नायल और जालिम हुकूमत को घर भेजने के लिए। और सच्ची बात ये कि कौम, ये कौम की एक कौम पूरी तरह यकसू है, कौम की जुबान पर। सर कल की खबर क्या है? सर कल की खबर क्या है चौधरी साहब, खबर बताए ना क्या जी? मतलब इमरान खान साहब ये है कि पूरी कौम उठ खड़ी हुई है, और ये है कि इस कौम इस जालिम और नायल हुकूमत को घर भेजने के लिए पूरी कौम यकसू है। तो आप लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्तीफे देंगे, क्या करेंगे हमें बताएं तो सही, कब करेंगे क्या करेंगे? यानी कल अनाउंसमेंट ही कर देते कि ये लॉन्ग मार्च की ये डेट है, इस्तीफे हम इस तारीख को जमा करवा देंगे, कुछ आपको पता है वैसे इस बारे में? लॉन्ग मार्च का तो फैसला हो गया, लेकिन हमारे हमें तवक्को ये है कि शिबली फराज जैसे इन जैसे संजीदा लोग जो है, इन जैसे लोग, देखे मैं एक गुजारिश कर दूं इमरान खान साहब आपकी इजाजत से, शिबली फराज साहब जो है मेरे दिल में उनका बड़ा एहतराम है, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है उनकी वो निस्बत है, वो अहमद फराज के बेटे हैं, उनके लिए वजारत जो है कोई ऐसा काबिल फख्र कोई चीज नहीं है, उनके लिए वो निस्बत जो है वो ज्यादा काबिल फख्र है, और वजारत तो आने जाने वाली चीज है। और मुझे यकीन है, मैं आज मेरी बात याद रखिए कि शिबली फराज साहब ने बिल आखिर वो ज्यादा देर तक इस टोले के साथ नहीं चल सकेंगे, बिल आखिर उन्होंने इनसे कहना है कि भाई मुझसे मुझे क्या जिम्मेदारी आपने दे दी है, हर वक्त गलत बयान ही करता रहूं, हर वक्त यह है कि मुझे डिसइंफॉर्मेशन ही में फैलाता रहूं, मुझसे ये जिम्मेदारी अदा नहीं होती, मुझे मेहरबानी करें, मेरे जमीन पे बड़ा बोझ है और मुझे सुख दोष करे इससे। अच्छा, और बिलाखिर उन्होंने इस टोले को छोड़ देना है, मैं आपको बता दूं। अच्छा, आज मेरी बात याद रखें। सर मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ कि करना क्या है, इस्तीफे कब देने, कैसे देने, क्या होगा? जी बिल्कुल, इस्तीफे मैं तो खुद अपना इस्तीफा जमा करवा चुका हूँ अपनी क्यादत के पास, और धड़ाधड़ इस्तीफे जमा हो रहे हैं 31 तक सारी जमातों ने, पीडीएम जो शामिल जो जमाते हैं उन्होंने अपने अपने कायदीन के पास इस्तीफे जमा करवा देने हैं, फिर पीडीएम की क्यादत ने फैसले करने हैं कि ये स्पीकर के पास कब चले। मैं आता हूँ सीसी के इजलास की तरफ, अभी उस पर मैंने बात कर दी है आपसे, शिबली फराज साहब वो इस्तीफे तैयार करके बैठे हुए हैं, करवा रहे हैं अपनी क्यादत को, आप बजाय उनको एंगेज करने के, उनसे बात करने के, उनको चिढ़ा रहे हैं। आपका कोई वजीर कहता है कि मैं उमरे की टिकट दूंगा जो पहले इस्तीफा देगा, कोई कहता है मैं वॉशिंग मशीन दूंगा, कोई कहता है जी मैं छोटी गाड़ी गिफ्ट कर दूंगा, ये क्या लतीफे चल रहे हैं सर, उनको एंगेज करें अपने साथ? नहीं देखें, हम तो बिल्कुल एंगेज करेंगे, और एंगेजमेंट का सबसे बेहतरीन फोरम क्या है इमरान, वो है पार्लियामेंट। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है, हमारी कई सीनियर लीडरशिप ने भी यही कहा है कि एंगेजमेंट का जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो पार्लियामेंट है, जिसको कि ये मानते नहीं है। दो साल तक ये वहां पे बैठे रहे हैं, तनख्वाहें लेते रहे हैं, सारी फैसिलिटीज लेते रहे हैं, लेकिन हाउस को हाईजैक किए रखा किस पे, कि प्रोडक्शन ऑर्डर्स हों, न तो कोई इन्होंने लेजिस्लेशन की, न तो कोई उसमें मदद की हुकूमत की। तो ये जो एंगेजमेंट का जो प्लेटफॉर्म है वो पार्लियामेंट से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता, और यही एक अगर कोई सियासी जमात है और अगर वो अपने आप को जमहूरी कहती है तो उसको तो एंगेज पार्लियामेंट से बाहर तो एक बात ही नहीं करनी चाहिए। बिलावल ने तो साफ कह दिया ना सर, बिलावल ने तो साफ कहा कि हमसे राबते करना बंद करो, हम आ रहे हैं इस्लामाबाद। तो सर ये फिर आप समझ जाए ना, हमने तो कहा है कि जी बिल्कुल आए, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, जिस तरह की हमने लाहौर जलसे में देखिये हुआ क्या है,
हमने जो पिछले जलसे हुए उसमें कुछ, जैसे मुल्तान हो गया उसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज खड़े किए गए जिसमें के जिसकी वजह से इनको मीडिया कवरेज मिला, वरना इनका जो मुल्तान का जलसा था, पिशावर का भी आपने देख लिया कि वो कितना नाकाम तरीन वो था। इसी तरह इन्होंने जो जलसा किया गुजरावाला में, इसी तरह जो जलसा किया कराची में और क्वेटा में। देखिए बात यह है कि इनकी जो बात है उसमें कोई रब नहीं है, इनकी कोई एक कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है, ये रोज अपने गोल पोस्ट चेंज करते रहते हैं और ना इनके पास कोई प्रोग्राम है। जब इन्होंने शुरू किया था उस वक्त महंगाई थी, इसमें कोई शक नहीं है। अब जो है तो महंगाई नीचे आ गई है, अब जो है तो इनके पास कुछ बेचने को है नहीं। चले फिर मैं वो कैसे होंगे, क्योंकि अभी उन्होंने एक एक बात चीमा साहब करने वाले थे, रुके बीच में, कि शिबली साहब जैसे संजीदा लोग, तो इन लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके अभी बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जी चौधरी सार साहब, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कुछ संजीदगी हुकूमत अगर आपको दिखाती है, कहती है आए बैठे बात करते हैं, तो अभी भी कोई रास्ता आपको लगता है कि बातचीत का आप दरवाज़ा खोल सकते हैं? और ये सिर्फ पॉलिटिकल एक जो होता है जज्बात के अंदर, आप जलसे में तो कुछ भी कह देते हैं, लेकिन सियासतदान हमेशा रास्ता खुला रखता है। इमरान खान साहब, देखें गुजारिश ये है कि मैं जो जिसकी तरफ आपने इशारा किया, जो मैंने फिक्र कहा कि शिबली फराज साहब जैसे संजीदा लोग, वजह ये है जो कुछ मैंने कहा कि देखें जो हमारा बयानिया है, दो नुकात हैं उसके, कि राइट टू रूल, हक की हुक्मरानी अवाम का है, वोट को इज्जत, और दूसरी जो है और दूसरी जो बात है इमरान खान साहब, वो ये यार फर्द को, हर इदारे को वो किरदार अदा करना चाहिए जिसका तयन पाकिस्तान के आइन ने कर रखा है। और मैं आपको बताऊं कि ये बयानिया जो है, ये दोनों पॉइंट्स जो है वो हैं जो अहमद फराज साहब का भी बयानिया था और उसमें इस बयानिए के लिए उनका एक किरदार भी था। सर आपकी पार्टी इस बयानिए पे यकसू है? चौधरी साहब मैं माजरत के साथ सवाल अगर आपसे पूछूं, ये जो वोट को इज्जत दो वाला बयानिया है, आपकी पार्टी इसमें बिलीव करती है? सर जी बिल्कुल, ये है कि हम चाहते हैं कि आवाम की राय का एहतराम किया जाए। ये देखें ये सर, आप आवाम की राय का एहतराम मांग रहे हैं, मेरा सवाल ले लीजिए, आप आवाम की राय का एहतराम मांग रहे हैं। मरियम नवाज कभी इलेक्शन नहीं जीती और कभी एमएनए नहीं बनी, नवाज शरीफ साहब लंदन में हैं, वो नायल हैं, वो फैसला कर रहे हैं कि सारे के सारे जो इलेक्टेड लोग हैं वो इस्तीफा दे दें। सर आप उनसे राय तो मांग लेते, जमहूरियत तो ये होती है कि आप सबको बिठाते, सबके साथ मुशावरत करते, कोई आपको कहता इस्तीफा देना है, कोई आपको कहता नहीं देना, लंबी डिस्कशन के बाद सारे किसी नतीजे पे पहुंचते और वो काम आप करते। ये तो जमहूरियत आपकी अपनी पार्टी में नहीं है, आप तो अपने एमएनएस और एमपीएस के वोट को इज्जत नहीं दे रहे, तो आप तो इसके ऊपर खुद नहीं बिलीव करते? देखिए गुजारिश ये है कि ये जो आपने फरमाया, कल्चर जो है जमहूरी, जो हमारी सारी सियासी जमाते हैं उनमें जमहूरी कल्चर जो है फरोग पाना चाहिए, बिल्कुल पाना चाहिए, लेकिन ये जहन में रखें कि ये जो कुछ जो बयानिया है, जो फैसला है, हमारी पार्टी में से किसी को उससे इख्तलाफ नहीं है। सर है ना, मेरे प्रोग्राम में कह के गए हैं कई लोग, मेरे प्रोग्राम में कह कर गए हैं आपके कई लोग, हमसे रब्ता कर रहे हैं कि सामने से पूछिए ही नहीं। मियां नवाज ने अगर फैसला किया है तो तमाम मेंबरान को उससे इत्तेफाक है, तमाम मेंबरान जो है मियां नवाज शरीफ के। सर ये डेमोक्रेसी तो नहीं है ना सर, क्या ये जमहूरियत है कि नवाज शरीफ लंदन में बैठ के बीमार आदमी फैसला करें और सारे कहें जी हमें इत्तेफाक है? यानी ये तो डेमोक्रेसी ना हुई कि क्या? मैं फिर ये गुजारिश कर रहा हूँ कि तमाम सियासी जमातों में ये, जैसे ये कि जमहूरी मुल्कों में ये है कि जिस तरह जमहूरी अदारे वहां पे मुस्तैद। सर तो जैसा कल्चर आपकी जमातों में है वैसे ही कल्चर पाकिस्तान की सियासत में। मैं इत्तेफाक करता हूँ कि यहाँ भी जमहूरी रवायात, जमहूरी कल्चर जो है आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ना चाहिए। तो मैं चीमा साहब मुझे ये बताएं कि क्या आपको नहीं लगता कि पहले ये कल्चर जो जमहूरी है ये आपको अपनी पार्टियों के अंदर पैदा करना चाहिए, अपनी पार्टियों के अंदर इतनी हिम्मत पैदा करनी चाहिए कि वो जमहूरी अंदाज में फैसले करें और मुशावरत करें और फिर पब्लिक के लिए राइट मांगे, पहले लोगों को तो दे राइट? इसका जवाब ये है कि हमारे यहाँ तमाम सियासी जमातों में वो जो आइडियल सूरत हाल है वो नहीं है, जमहूरी कल्चर अभी उस तरह का नहीं है जिस तरह का होना चाहिए। आप आइडियल को मांग रहे हैं ना सर, आप जो चीज अपने लिए मांग रहे हैं वो दूसरों के लिए पसंद क्यों नहीं कर रहे सर? देखिए एक चीज आप अपने लिए मांग रहे हैं, दूसरों के लिए पसंद करें। ये जमहूरी रवायात जो है वो फरोग पाएंगी अगर ये है कि ये सिस्टम जो है अनइंटरप्टेड, ये जो यहाँ पे ये है कि मुख्तलिफ जो मार्शल लॉ लगते रहे हैं, फौजी अमर आते रहे हैं, पूरे जमहूरी अमल। सर अब तो आपकी तीसरी टर्म चल रही है ना पॉलिटिकल, तो यार जमहूरी कदरें
जमहूरी रवायात जो है वो फरोग पाती रहेंगी। जी शिबली फराज साहब, ये अब मामला जो है, ये वोट को इज्जतों का इनका एक डिमांड है। आपकी आज पार्टी का जो इजलास हुआ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आप लोगों के साथ बातचीत की, मैं आता हूँ पीएमएलएन के अंदर क्या हुआ। वहाँ जो सोर्सेज से खबर चल रही है वो ये है कि पहले ऑन कैमरा तो कुछ और था, लेकिन ऑफ कैमरा बड़ी सुबकी हुई है बहुत सारे लोगों को, और बहुत सारे सवालात उठाए गए हैं कि रिस्पॉन्ड वैसा क्यों नहीं था जैसा होना चाहिए था, और ये इतलात मुख्तलिफ मीडिया अपने सोर्सेज से रिपोर्ट कर रहा है। शिबली फराज साहब, आप लोगों ने आज क्या तय किया? नहीं जी, देखिए हमारी तो बेसिकली स्पोक्सपर्सन्स की मीटिंग थी, जिसमें हमने जनरली कल के जलसे के तनाजर में पैदा होने वाली सूरत हाल पे बहस की, और हर मेंबर ने अपनी अपनी सजेशंस दी, एक डिस्कशन हुई। असल बात क्या है, जो चीमा साहब के आपको आपने बड़ी मुश्किल में डाल दिया, असल बात यह है कि जो जब एक तीन टर्म जिस तरह के आपने कहा गुजार चुके हो एक पोलिटिकल पार्टी, और अगर वो अपनी मर्जी के रिजल्ट्स चाहे, अपनी मर्जी के जजेस चाहे, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है कि अगर मैं जीतूं तो मैं ठीक हूं, अगर मैं हार जाऊं तो फिर ठीक नहीं हूं। ये क्लासिकल एग्जांपल आपको मौलाना फजल रहमान के यहाँ भी मिलती है, जिसमें उनका बेटा इलेक्ट हुआ हुआ है एक इलाके से, उधर ही खैबर पख्तूनख्वा में, मैं उसी इलाके का हूँ, और जहाँ पे वो इलेक्शन ठीक था, और जो वो खुद हार गए हैं तो इसलिए उन्होंने दाव पे लगा दिए पूरे सिस्टम को। ये बुनियादी तौर पर असल चीज क्या है, असल पॉइंट क्या है जिसकी वजह से ये बेताबी भी है। नंबर वन ये है कि इसको नवाज शरीफ जो है तो अपने जाती मसले को पूरे मुल्क का मसला बनाना चाहते हैं, वो पूरे अपने, जिस तरह के आपने राइटली कहा कि अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को उनकी जो मेहनत है, उनका जो एक राय है, जो वोट को इज्जत जो उनके हलकों ने दी, उसको वो दाव पे लगाना चाह रहे हैं। नहीं, आपके कई लोग ये क्लेम करते हैं शिबली फराज साहब, आपके कई लोग ये क्लेम करते हैं कि इनके लोग हमसे रबते में है, और वो ये कहते हैं कि हम रिजाइन नहीं देना चाहते। जो दो चार लोगों से मेरी बात हुई, उनमें एक का नाम तो आपके मेंबर खुद लेकर गए मेरे प्रोग्राम में कि जनाब आप उनसे पूछ लें वो क्या कह रहे हैं, और मुझे वो कैसर अहमद शेख साहब ने कहा हमसे तो मशवरा ही नहीं हुआ, हमसे मशवरा ही नहीं हुआ। जी चीमा साहब, आप अब ये देखें ना, मुझे कैसर अहमद शेख साहब कह के गए कि हमारे साथ किसी ने रब्ता नहीं किया, हमें किसी ने पूछा नहीं। अब वो उनको कोई पूछे, उनसे रब्ता करे, उनसे वो कहते हैं मुशावरत के बगैर इस्तीफा हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है, ये डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है उसमें कुछ और होता है। तो अब ये चीमा साहब, उनकी बात गलत तो नहीं है, उनकी बात गलत तो नहीं है, आप अपने लिए हुक्म मांग रहे हैं लेकिन आप फर्ज अदा नहीं कर रहे। नहीं देखिए, देखिए इमरान खान साहब, ये बात सही है कि हर वक्त आइडियल सूरत हाल नहीं होती। क्यादत हमारी पार्टी की अगर बाकी पार्टियों की क्यादत के साथ मिलकर ये फैसला कर दे तो जाहिर है कि हम मेंबरान जो है, हम अराकीन जो है, उस फैसले के पाबंद हैं, हमें कोई इतराज नहीं है, किसी को इतराज नहीं है। और लेकिन यह है कि जो जिस तरह आपने फरमाया कि अगर ये जहूरी अमल जो है अनइंटरप्टेड चलता रहे, फौजी अमर इसको इंटरप्ट ना करें, तो जहूरी कदरें, जहूरी रवायात जो है वो फरोग पाती रहेंगी। सर फौजी आमिर सर कैसी बात करें, सर देखें फौजी आमिर जो है वो मुल्क की सियासत पर असरअंदाज होता है, आपकी अपनी सियासी जमात की सियासत तो आपके कंट्रोल में ना सर, अपने घर का निजाम तो आपके कंट्रोल में है, अपनी जमात में सियासत का कल्चर लेकर आइए, जमहूरियत लेकर आइए, मुल्क में खुद ही आना शुरू हो जाएगी सर, अपने घर से तो आप शुरू करें सर। जब ये देखें, जब ये एक पूरे मुल्क का एक चलता हुआ निजाम जो है उसको धर्म भरम कर दिया जाता है तो तमाम जमातें जो है उनका कल्चर भी मुतासर होता है। इसमें ये कि ये देखें कोई कोई जमात जो है इस तरह, जमहूरी जमातें, हमारी सियासी जमातें जो है वो इस तरह इन आइसोलेशन काम नहीं करती। जब ये है कि उनमें जोड़ तोड़ से फौजी हुक्मरान शुरू कर देते हैं, फौजी आमर शुरू कर देते हैं, हमारी स्टेब्लिशमेंट शुरू कर देती है, सियासत में मुलव्वस होती है, मुदाखलत करती है, तो पूरा कल्चर जो है मुतासर होता है, सियासी कल्चर जो है। चले, अगर अगर तो अगर चीमा साहब, कल को कोई बंदे आपकी पार्टी के ऐसे हैं जो कहते हैं जी हमसे मुशावरत नहीं हुई, हम इस्तीफा नहीं देते, तो क्या फिर आप ये कहेंगे कि उनको पाकिस्तान की फौज के लोगों ने फोन किया और फोन करके कहा कि इस्तीफे मत देना? नहीं, आप यही कहेंगे और क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं आपको बताऊं कि मुझे यकीन है कि किसी से मशवरा हुआ है या नहीं हुआ, सारे इजहार है कि अगर फैसला कर दिया क़यादत ने तो फिर यह एक सोच समझ के किया होगा, और अगर किसी से मशवरा नहीं किया तब भी यह है कि मुझे यकीन है कि इस फैसले पे अमल करेंगे तमाम लोग। शिबली फराज साहब, आपको इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है कि आप वॉशिंग मशीनों की अनाउंसमेंट करते हैं कि हम इनको देंगे, उम्र के टिकट देंगे? आपसे कितने लोग रबते हैं, कितने लोग आप लोगों से रबते में? देखें उसकी कई वजूहत है, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि अब हमारे जो मुल्क में जो सियासत है वो काफी मैच्योर हो गई है, और अब लोग जो है तो जाती कॉज के लिए, जाती मफादात के लिए बाहर नहीं निकलते,
दूसरी बात यह है कि जो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो यही है कि हम एक जमहूरी और एक हम बड़ी तगोदो के बाद हम हमारी लीडरशिप ने कामयाबी हासिल की है, किसी वसीयत या किसी टेलीफोन कॉल की बुनियाद पे वो लीडरशिप नहीं है मिली उनको। तो हम इस उस पे वो है कि इन्होंने आवाम ने इनका चेहरा देख लिया है, इन्होंने बुनियादी तौर पे अपनी जाती जो इनके मसाइल है उसको एड्रेस करने के लिए हुकूमत पे प्रेशर डालना चाहा है और हुकूमत से एनआरओ लेने की कोशिश की है और जाहिर है कि वो हमने दिया है नहीं। अब जो इनके जो जो इनके फैसले थे इस्तीफे देने के या लॉन्ग मार्च के, तो वो भी हमने हमने खुले दिल से कबूल कर लिया और हमने ये सेट किया कि ये जो इस्तीफे हैं बजाय अपने लीडरान को भेजने के ये स्पीकर असेंबली को भेजे और उन्होंने कुछ इनाम भी उसके लिए तजवीज किए हुए हैं, इसलिए ये चॉइस तो बड़ा अच्छा फ्रेंडली माहौल है, इसमें तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। चीमा साहब ये क्या हो गया आपके साथ कि इस्तीफे लेने आए थे इस्तीफे दे रहे, ये क्या चीज है? यानी ये तो मजाक हम पीटीआई का उड़ाते थे कि वो इस्तीफे लेने आए थे, इमरान खान साहब अपने इस्तीफे जमा करा के जा रहे हैं और आप लोग इमरान खान का इस्तीफा लेने आए थे अपना जमा करा के जा रहे हैं, और क्या सेनेट इंतखाबात को किसी भी तरह आप रोक सकते हैं या उनसे पहले ये सारा मामला कर सकते हैं आप? इमरान खान साहब जब ये है कि इतनी बड़ी तादाद में इस्तीफे आएंगे, इतनी बहुत बड़ी तादाद में इस्तीफे आएंगे तो फिर जिमनी इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं होगा किसी भी हुकूमत के लिए, फिर ये है कि फिर तो जनरल इलेक्शन ही होंगे। और मैं समझता हूँ कि सर पीपल्स पार्टी ने आपको यकीन दिलाया कि वो इस्तीफे देंगे, इसका हल है पीपल्स पार्टी इस्तीफे दे रही है सर? जी पीपल्स पार्टी भी इसमें बिल्कुल पूरी तरह साथ देगी, पीडीएम के फैसलों की वो पाबंद है, एक बहुत बड़ा एक कंपोनेंट है, बहुत बड़ी सियासी जमात है पीडीएम में शामिल जो है। और ये सर कल जेल में शहबाज शरीफ साहब से बिलावल मिल रहे हैं 2 बजे और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देना चाहती और ना वो दे रही है, और शहबाज शरीफ साहब पे वो इसी चीज के लिए दबाव डालेंगे कि जनाब ये क्या कर रहे हैं। बिलावल साहब ने बिल्कुल ओपनली कहा है कि इस्तीफे समेत हम तमाम ऑप्शन जो है उनके उनमें ये है कि पीडीएम के फैसलों पर पाबंद है और इंशाल्लाह ये है कि इसमें हम सर मैं सिंध की बात कर रहा हूँ सर, सिंध गवर्नमेंट की अगर हमें कुर्बानी भी देनी पड़ी तो हम उसके लिए तैयार हैं। जी शिबली फराज साहब, शिबली फराज साहब, बिलावल साहब ने जी देखिए हमने तो हम तो यही कहते हैं कि ये इस्तीफे देना चाहते हैं, ये अगर लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं पहले करें, जिस तरह हमने लाहौर का जलसा नहीं रोका इसी तरह हम इनके लॉन्ग मार्च को भी नहीं रोकेंगे। ये अपनी जहन साजी कर लें, आपस में इत्तेफाक पैदा कर लें जो कि बिल्कुल नहीं है, जिस तरह की आज उनकी जो मीटिंग हो रही थी या मेरा ख्याल है खत्म भी हो गई होगी, उसमें बुनियादी तौर पर एक दूसरे पर मलबा डाला जा रहा है कि जलसा किसकी वजह से नाकाम हुआ। असल बहस वहां पर यही चल रही है जिसमें कि लोगों को हर पार्टी जो है तो दूसरे को मोर इल्जाम ठहरा रही है और मरियम नवाज जो है वो यही कह रही है कि ये जलसा जो है तो इसमें लोग क्यों नहीं आए और किसकी वजह से नहीं आए। ठीक है, वहां पे जो डिस्कशन हो रही है वहां पे तो इस्तीफों की बात तो बिल्कुल रह गई है ना। आप अपने आप से आगे चले, आप अभी भी तादाद के अंदर फंसे हुए वक्त है, लेकिन एक चीज का दुख मुझे रहा वो ये कि चले मरियम नवाज सियासत में नहीं है उनको नहीं पता, बिलावल नए हैं उनको नहीं पता, लेकिन कमरुज़मान कायरा और ख्वाजा साद रफीक वगैरह स्टेज पे ही थे जब लाहौरियों के बारे में नेगेटिव रिमार्क्स दिए वहाँ पे अचकज़ई साहब ने, मेरे ख्याल में उसकी मजम्मत उनको वहाँ पे या उसकी तस्खीर वहाँ पे करवानी चाहिए थी। दुख हुआ जब उन्होंने बात नहीं की। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज़।